नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से उमंग तरंग में। दोस्तों, हमारा समाज बहुत सारे संबंधों से और लोगों से मिलकर बनता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग कार्य होता है, पर हमने देखा है कि लोगों को इज्जत दी जाती है उनके कार्यों के हिसाब से। कई बार अलग अलग कार्य करने वाले लोगों का इज्जत का दायरा बदल जाता है। कुछ लोगों को हम इज्जत देने में कोताही कर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आज इसी विषय पर हम अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे। आज का हमारा विषय होगा अंतर्वैयक्तिक संबंध एवं विभिन्न लोगों का समाज में योगदान। आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ज्योति शिपणकर। डॉक्टर ज्योति शिपणकर को पिछले 30 वर्षों का समाज सेवा का अनुभव प्राप्त है। डॉक्टर ज्योति भारतीय ग्रामीण महिला संघ में परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर ज्योति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विशेषकर एड्स और एचआईवी के क्षेत्र में ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में 12 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। पिछले 5 वर्षों से डॉक्टर ज्योति जीवन कौशल शिक्षा से जुड़कर किशोर किशोरियों को लाभान्वित कर रही हैं। डॉक्टर ज्योति ने उमंग कार्यक्रम के ग्रेडेड पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर ज्योति विभिन्न स्तरों पर प्राचार्यों शिक्षकों को हमेशा ट्रेनिंग देती आई हैं। डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, और आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे समाज के विषय में कि समाज कैसे बनता है और इसकी भूमिका क्या है, समाज में हमारी भूमिका क्या है। तो उसी सिलसिले में मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आखिर समाज है क्या और ये किस प्रकार बनता है? जब हम समाज की बात करते हैं तो जाति, धर्म आदि सभी की बात आती है। इन्हीं समुदाय को मिलकर ही हमारा समाज बनता है। और यदि हम देखें तो समुदाय के जो समूह हैं, कई जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के वर्ण और संस्कृति, इन सभी को मिलाकर समाज का निर्माण होता है। यदि हम समाज की बात करें तो उसमें हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का बराबरी का योगदान होता है। सभी लोग महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। साथ में यही संबंध हमारे जीवन कौशल में अंतर्वैयक्तिक संबंध कहलाता है, जो आपस में वो लोग जुड़े हुए हैं। यदि हम देखें तो यह समूह और व्यक्ति, ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं और एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। मैं मेरा उदाहरण दूं तो मैं मेरे परिवार से, दोस्तों से, नेबर से, मतलब पड़ोसियों से, साथ में कई संस्थाओं से और कई सेवा प्रदाताओं से जुड़ी हुई हूँ। इसी तरह मैं इस समाज का अभिन्न अंग हूँ। बिल्कुल, समाज तो हम सबसे ही मिलकर बना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो चाहे किसी जाति, धर्म या समुदाय का हो, सबसे मिलकर समाज बनता है। ज्योति जी, इस विषय को लेकर बच्चे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो हम बढ़ते हैं बच्चों के प्रश्नों की ओर। आमतौर पर हमारे समाज में ये माना जाता है कि समाज कई प्रकार के लोगों से मिलकर बना है, परंतु मेरा मानना ये है कि हमारे समाज में पशु पक्षी एवं पर्यावरण भी सम्मिलित है। अतः माननीय विशेषज्ञों से मेरा यह प्रश्न है कि पशु एवं पक्षियों की रक्षा हेतु हमारी क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कृपया हमें सुझाव दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समाज सही में सभी लोगों से मिलकर बना है। जहाँ इंसान है वहीं पर्यावरण भी है और पशु पक्षी भी हैं। हम देखें तो प्रकृति ने हमें और सभी को समान अधिकार दिए हुए हैं। प्रकृति की एक इकोसिस्टम होती है। इकोसिस्टम तो हमने पढ़ी ही होगी। इकोसिस्टम ऐसे कार्य करती है कि हम सभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे यदि आप देखेंगे तो पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन देते हैं और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हम पेड़ पौधों पर भी डिपेंड करते हैं। वैसे ही आप एक और चीज़ देखें, जितनी भी चिड़ियाएँ हैं या जितने भी पक्षी हैं, वो यदि कीड़े मकोड़ों को नहीं खाएंगे तो कैसे कीड़े मकोड़े बढ़ते ही जाएंगे। आपने अभी देखा होगा मोबाइल टावर और ये जो सब तरंग आ रही है, इसके कारण से कई बार ऐसा होता है कि पक्षी बहुत कम होते जा रहे हैं। गोरैया अभी बिल्कुल लुप्त सी हो गई है, विलुप्त सी हो गई है। तो कीड़े मकोड़े अभी आप देखिए बहुत बढ़ गए हैं। हम देखते हैं कि पर्यावरण का प्रदूषण भी बहुत हो रहा है, चाहे ध्वनि प्रदूषण कह लीजिए, वायु प्रदूषण कह लीजिए, जल प्रदूषण कह लीजिए। इन सब के कारण
आज हमारी वातावरण जैसा होना चाहिए, संतुलन की अवस्था होना चाहिए, वैसा नहीं है। ऑक्सीजन की कमी, पेड़ पौधों के कटने के कारण ऑक्सीजन ओजोन लेयर में होल हो रहा है, ये सब हमारे वातावरण को प्रभावित करती है और इस तरह से अल्टीमेटली हमारा समाज भी प्रभावित होता है। हमारी यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम कम से कम साल में एक पेड़ अवश्य लगाएं ताकि पेड़ पौधे बढ़ें और साथ में जानवरों को, निरीह प्राणियों को बचाव करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि चाहे पशु पक्षी हों, मनुष्य हों या पर्यावरण, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम एक दूसरे का संरक्षण करते चलें। ज्योति जी, जैसा कि हमने बात की कि समाज हम सबसे मिलकर बनता है, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आखिर समाज में हम सबके कार्यों का निर्धारण किस तरह से होता है? मेरे अनुसार पहले जब हम समाज की बात करते थे तो समाज में समाज जो बना था और समाज ने जो कार्य डिवाइड किए थे वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर किए थे और इसी के साथ में जेंडर के आधार पर भी कार्यों का विभाजन किया गया था। जैसे लड़कियों के लिए समाज ने पहले घर के अंदर के ही काम सौंपे थे, मतलब घर के अंदर के सारे काम होना समाज के अनुसार लड़कियों का काम था और घर के बाहर के काम जैसे नौकरी पे जाना, बाहर से सामान लेके आना, ये लड़कों की जिम्मेदारी में आता था। परंतु इस तरह से यदि हम देखें जो ये कार्य का निर्धारण और भूमिकाओं का निर्धारण जो समाज कर देता है उसमें कई बार हमारा व्यवहार भी प्रभावित होता है। जब ये व्यवहार प्रभावित होता है तो धीरे धीरे ये देखने में आता है भेदभाव, पक्षपात जैसी चीज़ें सामने आने लगती है। तो हम देखते हैं कि इसके कारण हो रहे भेदभाव से जेंडर भेदभाव बहुत ज़्यादा दृष्टिगोचर होता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि समाज में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे हम देखेंगे कि लड़कियां अब आगे निकल कर आ रही हैं और कई प्रशासनिक सेवाओं में पायलट बनकर, फौज में, ऐसी जगहों पर लड़कियों को आप देख पा रहे हैं। वहीं हम इसका उल्टा उदाहरण देखें तो लड़के भी अब बहुत ही अच्छे रसोई का कार्य, जैसे आप देखिए बड़े बड़े कुकिंग शो में आज का निर्धारण रुचि, रुझान, शिक्षा, क्षमताओं के आधार पर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूँ कि कार्य का जो विभाजन होना चाहिए वो लिंग या वर्ण के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये रुचि, गुण या क्षमता के आधार पर होना चाहिए। और देखने में आया है कि समाज में इस तरह के बदलाव हो भी रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारी जगहों में समाज में जो पहले वाली बात थी वो भी देखने को मिल रही है कि कुछ कामों को हीन भावना से देखा जा रहा है। तो डॉक्टर ज्योति, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग कामों के लिए समाज में अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है, और कैसे उन्हें बराबर महत्व दिया जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उन सभी को बराबर महत्व मिले? समाज में हर कार्य के लिए हर स्तर पर किसी न किसी व्यक्ति की, उस जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता होती है और हर छोटा काम, बड़ा काम सब बराबर होता है। इसको हम ऐसे समझें कि हम रिस्पेक्ट किन्हें देते हैं, किन कामों को हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम देखेंगे, हम ज़्यादातर जब हम बच्चे हैं हम ज़्यादातर शिक्षकों को रिस्पेक्ट देते हैं, समाज में डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को रिस्पेक्ट मिलता है। पर आप सोचें, क्या हम सफाई कर्मियों को रिस्पेक्ट देते हैं? क्या उनके बिना दुनिया चल सकती है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हर काम महत्वपूर्ण है। इसे एक उदाहरण से समझें, क्या एक इंजीनियर पूरा बांध बना सकता है? नहीं, लेकिन सबका आपसी सहयोग, सबका परस्पर सहयोग ही बांध को बनाने के लिए जरूरी होगा। इसी तरह से हर छोटा काम और हर बड़ा काम हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हमें छोटे काम को भी कम नहीं आंकना चाहिए और छोटे काम करने वालों को भी, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हमें उनको उतना ही रिस्पेक्ट भी देना चाहिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में हर व्यक्ति विशेष का महत्व है, हर व्यक्ति का योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जब समाज को अच्छा बनाने में सभी की भागीदारी होती है तो फिर क्यों हम किसी के काम को छोटा और किसी के काम को बड़ा आंकेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के काम को आंकें। अब अगला सवाल हम लेते हैं। अगले सवाल के लिए एक छात्रा हमसे जुड़ना चाह रही है। प्रश्न यह है कि
कई बार हम कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन परिवार और समाज हमसे अलग अपेक्षा रखते हैं। ऐसे में दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? जी बिल्कुल, इस छात्रा ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इसी से मिलता जुलता सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा है बहुत बार कि हमारे और समाज के नज़रिए में फ़र्क होता है, तो आखिर इस बदलाव को या इस फ़र्क को हम कैसे कम कर सकते हैं? जी, दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं और सच यह है कि जब हमारा नज़रिया और समाज का नज़रिया, और ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा नज़रिया और समाज का नज़रिया एक हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे नज़रिए में और समाज के नज़रिए में फ़र्क भी हो सकता है, और ऐसे समय करना ये चाहिए कि हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखते हुए, मतलब जब भी कोई परिस्थिति है जिसमें मेरा नज़रिया और समाज का नज़रिया अलग है, तो मुझे पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं का विश्लेषण करना चाहिए कि मेरे लिए आगे क्या अच्छा हो सकता है, मैं क्या समाज के साथ चलूं या मेरा नज़रिया ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मुझे इसमें विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन एक बात का बहुत ज़रूरी, जैसे बच्चे का सवाल था कि परिवार मुझे कुछ और समझा रहा होता है, तो ऐसे समय पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब परिवार हमें कोई बात समझा रहा होता है या परिवार का नज़रिया हमसे अलग होता है, तो उस समय जो हमारा परिवार होता है उसके पास एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो है उसका अनुभव। हमें उनके अनुभवों को भी समझने की ज़रूरत है और उनकी भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत है। वो हमारे लिए बुरा तो नहीं सोच सकते, अच्छा ही सोचते हैं, पर हमें उनकी भावनाओं को मानना है, हमें विचार विमर्श करना है, हमें समालोचनात्मक चिंतन भी करना है और विश्लेषण भी करना है, लेकिन निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को भी ध्यान में रखना है। हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है ये भी ध्यान में रखते हुए एक बहुत ज़रूरी चीज़ करनी है, वो ये ध्यान देना है कि जब हम निर्णय ले रहे हैं तो हमें परिवार वालों की भावनाओं को भी मानते हुए जब निर्णय लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी और का नुकसान ना हो लेकिन हमारे लिए वो अच्छा निर्णय हो। ऐसे ही निर्णय पे जाना चाहिए। अपने नज़रिए के लिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे नज़रिए में और समाज के नज़रिए में या हमारे परिवार के नज़रिए में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम सबकी बात सुने, उसके बाद अपनी बात कहें और उस फर्क को समझने की कोशिश करें। अब आगे हम अगला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न के लिए हमसे कौन जुड़ रहा है। विशेषज्ञ महोदय से मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने ये पढ़ा है कि समाज से हमें संस्कार मिलते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि समाज में तो कई तरह की कुरीतियाँ भी होती हैं, तो अच्छे संस्कार और इन कुरीतियों में हम अंतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो होता है वही हमें अच्छा लगने लगता है, मतलब हम वैसे ही बनने लगते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन कुरीतियों को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसकी शुरुआत मुझे कहाँ से करना चाहिए। देखिए, समाज है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं और कहीं कहीं कुछ कुरूतियों का जन्म हो जाता है। और कुरूतियाँ, रूढ़ियाँ, ये पुराने समय से कुछ कुछ तो चली आ रही हैं, कुछ नई भी बनती जा रही हैं। जैसे हम एक सामाजिक कुरूति की बात करें तो बाल विवाह, जब राजा राममोहन आए और उन्होंने उस कुरूति के ऊपर बात करना स्टार्ट किया और उसका अपोज किया, तो आज वह कम होती जा रही है, बंद होती जा रही है, मतलब लोगों ने उस तरह सोचना शुरू किया। जब हम रचनात्मक तरीके से सोचते हैं, जब हम नवीनता की तरफ से सोचते हैं, तो समझ में आता है कि हम कुछ नया काम करने वाले हैं। कई बार हम एक ही ढर्रे पर चल रहे होते हैं, उस ढर्रे से हट के नवीनता लाना भी काम है, और फिर कुरूतियाँ, रूढ़ियाँ, भेदभाव, ये सब समाज की निगेटिव बातें हैं, तो इन्हें सकारात्मक पहलू में लाने के लिए सबसे पहले हम पूरी दुनिया को बदलें, उससे पहले हमें अपने आप को बदलना चाहिए। और रूढ़ियों के खिलाफ या कुरूतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमारी कुछ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहिए ताकि हम उन कुरूतियों को दूर कर सकें। जी बिल्कुल सही बात है कि अगर कुरीतियों को हम दूर करना चाहते हैं तो हमें वो शुरुआत खुद से करनी होगी। और रजनी जी, मुझे उम्मीद है कि ज्योति जी के उत्तर से आपको कुरीतियों को दूर करने का हौसला मिला होगा। आप जैसे शिक्षक ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं। आगे हम प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं और छात्रों की ओर से जो प्रश्न आ रहे हैं वो आखिरी प्रश्न हम लेंगे।
प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील झाबुआ से। मेरा यह प्रश्न है कि कई बार मैंने सफर के दौरान देखा कि कुछ लोग बस या ट्रेन की सीट को फाड़ देते हैं या कुछ लोग दीवारों पर अपशब्द लिख देते हैं। ऐसे समय हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? कृपया इस समस्या का समाधान करें। हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका नुकसान ना हो, क्योंकि जो राष्ट्रीय संपत्ति है वह हमारी भी है। यहाँ तक कि जो लोग टैक्स पे करते हैं वो जानते हैं कि उनके ही टैक्स से, मतलब बूंद बूंद करके जो पैसे सरकार के पास जाते हैं उससे ही राष्ट्रीय संपत्ति बनती है। तो इन संपत्तियों को नुकसान होता है, अर्थात हमें ही नुकसान होता है। यदि यह संपत्ति का नुकसान कोई आपके सामने कर रहा है, मतलब कोई आपके सामने कुछ गलत लिख रहा है ट्रेन में या कुछ कर रहा है, उस समय आपको विनम्रता किंतु दृढ़ता के साथ उसे मना करना होगा और उसे ये समझाना रहेगा कि देखिए राष्ट्रीय संपत्ति आपकी अपनी है, इसे नुकसान ना पहुंचाएं। या एक और चीज़ भी समझाई जा सकती है, क्या कभी हम हमारे घर का नुकसान करते हैं? तो ये हमारा ही तो नुकसान हुआ, क्यों इसका नुकसान कर रहे हैं? और यदि ये नुकसान पहले ही हो चुका है तो हो सकता है कि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें, क्योंकि सरकार और प्रशासन तो बहुत कोशिश करता है कि इन सब संपत्तियों का नुकसान ना हो या इनको सुधारा जाए। पर कई बार ये होता है कि हम ऐसा कर देते हैं, तो पहला कर्तव्य हमारा है कि हम ही सुधार कार्य, यदि कुछ मतलब गंदा लिखा है हम मिटा सकते हैं तो हम मिटा दें पहली चीज़, क्योंकि पहला सुधार हमें लाना चाहिए। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय संपत्ति को सहेजने की जिम्मेदारी हम सब की है और नागरिक होने के तौर पर हमें इसे हमेशा सहेजने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हमारे देश के प्रति और समाज के प्रति। तो आइए हम डॉक्टर ज्योति से जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे समाज के प्रति और देश के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। वैसे तो मैंने अभी तक की चर्चा के दौरान बहुत सारी जिम्मेदारियों को बतला ही दिया था, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ और चलिए हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मेरा मानना यह है कि जन्म से लेके आज तक हम समाज से बहुत कुछ लेते हुए आ रहे हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को योगदान दें। इसके अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, जैसे हर किसी को बराबरी के अवसर मिलना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का पूरा अवसर मिलना चाहिए, जो भी बात उसके अंदर है वो अभिव्यक्त कर सके इसका अवसर मिलना चाहिए समाज में। हर व्यक्ति के को आत्मविश्वास के साथ, देश प्रेम के साथ इस समाज के लिए योगदान देना चाहिए। इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ भी देखनी है कि जो ये रूढ़ियाँ हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं या जो भेदभाव है, इसे मिटाने के लिए पहले विश्लेषण करना है और जो सही हो उसका समर्थन करते हुए उसका पक्ष हमें ज़रूर रखना है ताकि हम आगे आ सकें। इसके अलावा हमें एक चीज़ का प्रमुख ध्यान रखना है कि जब किसी के साथ में कोई अन्याय हो रहा हो, तो कहते हैं ना, अन्याय न चुप रह के सहना चाहिए ना अन्याय करना चाहिए। एक और बहुत बड़ी चीज़, यदि किसी और के साथ कुछ अन्यायपूर्ण बातें हो या अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, तो ऐसे समय भी हमें चुप्पी नहीं साधना है, कुछ हमें बोलना ज़रूर है, ना कहते आना चाहिए, सामने वाले को समझाना है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि हर स्तर के हर व्यक्ति का काम ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, हम सब परस्पर सहयोग करके ही समाज को आगे ले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये जो परस्पर सहयोग है ये बना रहे, तो हर व्यक्ति का छोटा हो बड़ा हो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और साथ ही मैं एक ही चीज़ कहूँगी, समाज को अपनी तरफ से पूरा योगदान देना चाहिए। जो ये योगदान है, यदि मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं, तो इंदौर हरदम क्लीन सिटी कहलाता है। इंदौर क्लीन सिटी सिर्फ प्रशासन की बदौलत नहीं है, प्रशासन तो अपनी तरफ से हर जगह की पूरी कोशिश कर रहा है, इंदौर का प्रत्येक नागरिक, कहीं कैमरे तो लगे नहीं हैं, वो गंदगी फैला दे तो क्या इंदौर क्लीन सिटी बनेगा? नहीं, हर नागरिक ने ये सोचा कि हमें इंदौर को क्लीन सिटी बनाना है। तो नागरिकों का भी सहयोग जब मिला, तो यदि सभी का सहयोग मिलेगा, सभी परस्पर सहयोगी होंगे, तो जैसे आज इंदौर नंबर वन है, हमारा पूरा देश नंबर वन होगा, समाज नंबर वन होगा।
ज्योति जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें समझाया कि समाज में एक नागरिक के तौर पे हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इनको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि समाज क्या होता है, समाज की अवधारणा क्या है, कैसे लोग उसको मिलकर बनाते हैं, और कार्यों का निर्धारण कैसा होता है, कैसे अलग अलग लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए, और समाज में एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। और उम्मीद है कि ज्योति जी ने जो प्रश्नों के जवाब दिए हैं शिक्षकों और बच्चों के भी, उनसे आपको ज़रूर लाभ मिला होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आगे के कार्यक्रम में हम फिर आपसे मिलेंगे। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।